हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली चीज़ मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बॉल बनाएंगे। तो इधर मैं उबली हुई आलू ली हूँ मैं तो इधर मैं 4 आलू ली थी जिसे उबाल ली हूँ। और इधर मैं पनीर ली थी, पनीर को मैं कद्दूकस करके डाल दी हूँ। और इधर मैं 2 टेबल स्पून ली हूँ मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर, और धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो ये देखिए, हमारे जो बॉल हैं वो रेडी हो जाएंगे। ऐसे हमें चाहिए डो। और ये ली हूँ मैं 2 क्यूब्स ली हूँ चीज़ के, तो उनको मैं कट कर ली हूँ। और ऐसे हम बीच में चीज़ क्यूब्स डालेंगे पीस, और उनके अच्छे बॉल बनाएंगे अब। तो जैसे हमारे नींबू होते हैं वैसे आकार में मैं बना रही हूँ, छोटे वाले नींबू जो होते हैं। तो ये देखिए, मैं सारे बना ली हूँ। अब इधर मैं ली हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर, तो इसको मैं कोट कर दूँगी अच्छे से। आप इसकी जगह ले सकते हो मैदा भी। तो ये देखिए, सारे हो गए हैं। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इधर मैं पैन चढ़ाई हूँ। अब इधर हम ग्रेवी बनाएंगे, जो सब्जी है हमारी उसकी। तो जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो इधर मैं बड़े साइज़ के प्याज 3 ली थी, और इधर कुछ खड़े मसाले ली हूँ, अदरक लहसुन और एक लाल मिर्च जो सूखा होता है वो ली हूँ, और लौंग, इलायची है ये बड़ी वाली इलायची ली हूँ मैं। तो उसको अच्छे से अब हम भूनेंगे सब। जब हमारा थोड़ा सा ये भून जाएगा प्याज, तो टमाटर डाल देंगे। तो इधर मैं 2 टमाटर ली थी, तो इसको भी हम भूनेंगे इधर। तो ये देखिए हो गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीसेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून में मलाई डाल रही हूँ। क्रीम भी ले सकते हो, जो फ्रेश क्रीम आती है मार्केट पे वो भी। अब इसी पैन में मैं डाल दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के। अब इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। तो जीरा जब हमारा भुन जाएगा, तो जो हम पेस्ट बनाए थे प्याज और टमाटर का, उसको डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो फ्रेंड, जैसे मैं की थी पहले, प्याज बड़े साइज़ में लेके मैं उनको भुनी थी। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी हमारा मसाला भुन जाता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ नमक, हल्दी, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिर्च डाल दी थी, और ये फिर से मैं मलाई डाल दी हूँ थोड़ा सा, और इसको हम भुनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, जो हमारा भुन गया है मसाला, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ, और ये कसूरी मेथी थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ इसमें। तो जो हमारी ग्रेवी है वो इसमें अब हम पानी डाल देंगे। जैसा आपको ग्रेवी चाहिए आप वैसा पानी डाल सकते हो, मतलब उतना पानी डाल सकते हो। इधर मैं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। तो ये देखिए, जो हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है। तो इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे, ढक देंगे मतलब 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे बाउल, अपने जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे। तो हमारी सब्जी फ्रेंड्स रेडी हो गई है, बस मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ऐसी रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती हो, और आप देखे हो ना, झटपट बन जाती है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।